दोस्तों देखिए, ये सुकाम का टॉर्क I50 इन्वर्टर है। तो यहाँ पे देखिए, हमारे जो इन्वर्टर है यहाँ पे जो समस्या आ रहा है, ये जो है आउटपुट नहीं दे रहा है। तो देखिए, वीडियो में बने रहिए, चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये देखिए, इसको जो है हमने ओपन करके रखा हुआ है ऑलरेडी। तो ये देखिए, इसमें जो प्रॉब्लम है अभी जो मैंने बताया, ना ही ये बैटरी मोड में जो है आउटपुट दे रहा है, ना ही जो है एसी मोड में जो है मेंस में जो है आउटपुट दे रहा है। हालांकि यहाँ पे देखिए, दोनों हमारे UPS मोड और जो हमारे मेंस और जो चार्जिंग का जो LED है, मेंस देने पर LED भी ग्लो हो रहा है, चार्जिंग भी दिखा रहा है, मेंस भी दिखा रहा है, और UPS मोड में जो है हमारे UPS का जो LED है ये भी ऑन बता रहा है। लेकिन हमारे इन्वर्टर से जो है कोई भी आउटपुट यहाँ पे जो है निकल नहीं रहा है। तो इसी प्रॉब्लम को जो है यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो ये देखिए, कहीं ना कहीं ये पीछे पीछे पिछली बार भी जो है हमने एक जो है इसका जो है एक वीडियो बनाया था, जिससे जिसमें भी जो है इस तरह का आउटपुट जो है नहीं दे रहा था। तो ये कहीं ना कहीं हमारे ट्रांसफार्मर का कनेक्शन से ही होता है। तो यहाँ पे देखिए, PCB में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, यहाँ पे कहीं जो है प्रिंट वगैरह जला हुआ नहीं है, कंपोनेंट्स वगैरह जला हुआ तो नहीं है। ये चीज़ पहले आपको जो है एक बार देख लेना है, और PCB को हमेशा जो है एक बार जो है सही तरीके से यहाँ पे जो है क्लीन कर लेना है। देखिए, तो ये देखिए, यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर का टिन कनेक्शन या हाई लो का जो कनेक्शन है, नेगेटिव कनेक्शन है, तो ये देखिए, ये पिन को जो है हमने निकाल करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे वोल्टेज को चेक करने के लिए हमने, क्योंकि यहाँ पे जब तक अगर आपका वोल्टेज जो है नहीं बनेगा, तब तक आपका इन्वर्टर जो है कोई आउटपुट देने वाला नहीं है। तो ये देखिए, इसका जैक है यहाँ पे, तो ये जो माइनस का जो हमारे पिन है ये देख सकते हो यहाँ पे, तो माइनस का पिन देख सकते हो आप यहाँ पे, पूरी तरह से जो है काला पड़ चुका है, जल चुका है। तो जो भी है यहाँ पे, बाकी कोई कंपोनेंट जो है जला हुआ फटा हुआ कहीं भी नहीं है। तो यही एक चीज़ जो है हमको मिला है यहाँ पे, ये देखिए जैक जो है बिल्कुल काला पड़ चुका है। तो इसको कट करके हम नीचे इसको माइनस को जो है सॉल्डिंग करेंगे फटाफट से। तो ये देखिए, हमने इसको सिर्फ ब्लैक वाले को जो है कट करके नीचे जो है सॉल्डिंग कर दिया है। और सॉल्डिंग, ये चीज़ को जो है आप जब सॉल्डिंग करेंगे, अच्छी तरह से सॉल्डिंग करना है, नहीं तो ये जो है हीट होके जो है फिर जो है आपका सॉल्डिंग जो है फिर निकल जाएगा। इस चीज़ का ध्यान में रखिएगा, अच्छी तरह से आपको सॉल्डिंग करना है। तो यहाँ पे देखिए, हम बैटरी के साथ इसको कनेक्ट करेंगे, आउटपुट देंगे यहाँ पे, अभी चेक करेंगे एक बार। तो ये हमारे जो बल्ब है इसको हमने लगा दिया है यहाँ पे, अभी बैटरी के साथ इसको जो है कनेक्ट करेंगे। तो ये देख सकते हो, हमारे इन्वर्टर जो है बैटरी मोड में जो है आउटपुट देने लगा है यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे हम लोग जो क्या करेंगे, मेंस जो है चेक करेंगे, मेंस दे करके इसका जो स्विचिंग है देखेंगे, और देखेंगे कि मेंस में जो है ये आउटपुट दे रहा है नहीं दे रहा है। तो ये मेंस हमने दे दिया है, थोड़ा सा लेक होता है यहाँ पे मेंस आने पर स्विचिंग करने में। तो देखिए, मेंस आ चुका है, और ये देखिए चार्जिंग LED भी जो है ब्लिंक कर रहा है यहाँ पे, यानी कि हमारे प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो चुका है। तो देखिए, कहीं ना कहीं ये आउटपुट का प्रॉब्लम का, कोई भी इन्वर्टर में, कोई भी कंपनी का इन्वर्टर हो, कोई भी मॉडल हो, ये ट्रांसफार्मर का ही आउटपुट का प्रॉब्लम होता है। ट्रांसफार्मर का आउटपुट में जब तक वोल्टेज नहीं आएगा, ये आउटपुट देने वाला नहीं है।